बहुत लोग आजकल ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करने के बारे में बोलते हैं तो उसमें हम ये लिखते हैं कि आज पूरे दिन में हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ या फिर उन चीज़ों के बारे में लिखते हैं फॉर विच वी आर ग्रेटफुल फॉर तो बहुत लोग अप्रिशिएट uh, नहीं करते हैं चीज़ों को क्रिप करते रहते हैं तो ये इसीलिए है कि सो दैट यू नो वी फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आर लाइफ सो दैट वी फोकस ऑन वॉट वी हैव रादर दैन वॉट वी लैक तो आपको इस बारे में क्या कहना है वॉट यू थिंक इट्स Like ये इफेक्टिव टूल है नहीं है क्या क्या लगता है आपको बहुत इफेक्टिव टूल है और मैंने इसके बारे में अपने कई सेशंस में बात भी करी है कि डेली बेसिस पे आप अपना एक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं डेली रात को सोने से पहले लिख सकते हैं ताकि आप एक ग्रेटिट्यूड वाले जोन में एंटर कर सकें बेसिकली क्या होता है रात को आपको एक ग्रैटिट्यूड वाले जोन में एंटर करना है और सुबह सुबह जब एक्शन लेने का टाइम है उस वक्त एक हाई एनर्जी वाले जोन में एंटर करना है ताकि दिन में जो भी करना है उसको करने के लिए एनर्जी मिल सके

सही तरीके से यूज करें तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं वैलिड है तो फिर ये आप मानते हो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वैलिड सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन जैसे कि दुनिया में हर चीज में होता है hmm. हर चीज सही है और हर चीज गलत है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस परसपेक्टिव से कैसे देख रहे हैं उसको एब्सोल्यूट hmm. कुछ भी सही नहीं होता है और एब्सोल्यूट कुछ भी गलत नहीं होता है hmm. हमारा सबका प्रॉब्लम क्या है हमारा दिमाग कैसे चलता है बाइनरी में चलता है राइट और रॉन्ग सही और गलत मतलब मैंने अपने किसी सेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बोल दिया तो लोगों के माइंड में ये बैठ गया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट हूँ अरे नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है मैं कह रहा हूँ करता है लेकिन वैसे नहीं करता है जैसे लोग बोल रहे हैं जैसे दिखाते हैं या फिर जैसे दिखाते हैं या जैसे आप समझ रहे हो वैसे काम नहीं करता है उसके पीछे की पूरी की पूरी एक साइंस है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूँ कि ये गाड़ी है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गाड़ी नहीं चलती है वो गाड़ी चलती है उसमें फ्यूल डालोगे तो वो गाड़ी चलेगी मैं क्या कह रहा हूं ये उड़ती नहीं है hmm. प्लेन उड़ता है ये गाड़ी उड़ती नहीं है मैं बस इतना सा कह रहा हूं अब गाड़ी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उड़ जाए उड़ जाए उड़ जाए कितनी भी विजुअलाइजेशन आप टेक्निक्स यूज कर लो कुछ भी कर लो वो गाड़ी नहीं उड़ेगी उस गाड़ी के अंदर का और बाहर का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा तब उड़ेगी तो अब ध्यान से समझो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और किस तरीके से काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेसिकली आप सुबह से रात तक जो भी सोचते हो अपने अंदर ही अंदर आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चलने लग जाता है वो चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाती है आपकी बॉडी के लेवल पर बट एक्सटर्नली नहीं होती है दोनों में फर्क को ध्यान से समझना कि अगर आप यहां पर बैठ करके सोचते रहो कि खाना खुद चल करके मेरे पास में आ जाएगा तो अगर आप एक हजार या एक लाख साल तक भी सोचते रहो तो वो नहीं आएगा अगर ऐसा होता तो वो बच्चा जो कि भूख से तड़प रहा है उसके पास में खुद खाना चल करके आ जाता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में ही सोच रहा है या सोच रही है बट अगर आप इस मैनिफेस्टेशन को देखते हो अपनी बॉडी के बेस पे तो डेफिनेटली ये काम करता है यानी साइकोलॉजिकली जो भी आप सोचते हो वो आपकी बॉडी पर मैनिफेस्ट होने लग जाता है आप अगर अपने अंदर ही अंदर ये सोचते रहते हो मैं बीमार ना हो जाऊं मैं बीमार ना हो जाऊं मैं बीमार ना हो जाऊं हो, जाओ, हो जाओगे क्यों हो जाओगे क्योंकि आपकी ब्रीदिंग में चेंजेस हो जाएंगे आपकी जो बॉडी है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी इसको स्ट्रेस बोलते हैं एंग्जाइटी बोलते हैं उसकी वजह से बॉडी में

कि इस तरह से आपको सिर्फ सोचना है बिलीव करना है आस करना है इस यूनिवर्स से और वो यूनिवर्स आपको दे देगा ऐसा नहीं होता है ये काम करेगा लेकिन कैसे करेगा ध्यान से समझो आप सोच रहे हो मेरे को एक करोड़ चाहिए एक करोड़ चाहिए एक करोड़ चाहिए एक करोड़ चाहिए अब माइंड क्या करेगा वो रास्ता निकालेगा अब दो चीजें होंगी या तो आप कैपेबल हो उस रास्ते पे चलने के लिए या नहीं हो जी क्योंकि मांगने से थोड़ी ना एक करोड़ मिलता है उसके लिए आपको कैपेबल होना पड़ेगा ना फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर आते हो एक जॉब इंटरव्यू के लिए मैंने आपसे पूछा कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो mm. आपने बोला आई एक्सपेक्ट अराउंड टेन लाख रुपीज पर मंथ मैंने आपका रिज्यूम देखा सब कुछ देखा समझा आपने क्या क्या किया है मैंने कहा बट वी विल नॉट बी एबल टू गिव यू मोर गि थाउजेंड रुपीज पर मंथ तो ये क्या हुआ आपने जो मांगा उसके बेस पे थोड़ी ना मिला जो आपकी एक्चुअल में कैपेबिलिटी है जो क्वालिफिकेशन है जो बैकग्राउंड है जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मिलेगा ना बल्कि अगर जरूरत से ज्यादा मांग लिया तो फंस भी सकते हो क्योंकि तो हो सकता है वो जॉब आपको मिल जाती अगर आप रीजनेबल मांगते तो बट आपने इतना ज्यादा मांग लिया तो सामने वाले ने कहा भाई ये तो कुछ अलग ही दुनिया में है तो छोड़ दो इनको इनको हमको रिक्रूट नहीं करना है नंबर वन नंबर टू अब ध्यान से समझो क्या होगा या तो उस एक करोड़ के लिए आप कैपेबल हो या नहीं हो अगर कैपेबल हो तो मांग क्यों रहे हो बिखारियों की तरह जी। जो कैपेबल है उसको तो खुद ही मिल जाएगा ट्रू बिल्कुल ऐसे कि मेरे को एक करोड़ की एक ब्रांड डील मिल जाए ब्रांड डील मिल जाए ब्रांड डील मिल जाए अरे भाई अगर आप कैपेबल हो तो एक करोड़ की क्या आपको दस करोड़ की भी मिल जाएगी तो उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या जरूरत है और अगर आप कैपेबल नहीं हो अब जितना आप अपने माइंड में बोलते चले जाओगे मेरे को एक करोड़ मिल जाए एक करोड़ मिल जाए एक करोड़ मिल जाए अब आपके दिमाग में और कोई थॉट ही नहीं आएगा सुबह से रात तक एक ही थॉट चलेगा कहीं से भी एक करोड़ आ जाए यह है बोलने की पावर सोचने की पावर अब आप चौबीस घंटे यही सोच रहे हो अब ऐसे में कोई इंसान आएगा आपके पास में वो कहेगा आपको क्या चाहिए तो आपकी आंखों में दिख रहा होगा कि आपको एक करोड़ रुपए चाहिए अब वो कहेगा कि तुम्हें ये करना पड़ेगा तुम्हें एक करोड़ मिल जाएगा अब उसका इंटरेस्ट किस में है कि आपको एक करोड़ मिल जाए अपना काम निकाल या अपना काम निकालने में अब वो काम चाहे सही हो चाहे गलत हो दो चीजें होंगी वहां पर भी या तो वो काम आपको क्रिमिनल बना देगा इलीगल भी हो सकता है वो काम तब भी शायद आप करोगे क्योंकि आपका डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ गया है डिजायर दो तरीके के होते हैं ना एक अपने आप को कैपेबल बनाने के एक कुछ मांगने के तो ये जो मांगने का डिजायर है यही आदमी को क्रिमिनल बनाता है यही भिखारी बनाता है यही आदमी को शॉर्टकट्स ढूंढने पर मजबूर कर देता है दूसरा डिजायर होता है अपने आप को कैपेबल बनाने का वहां पर कुछ मांगना नहीं पड़ता है जितना आपको चाहिए होता है उससे बहुत ज्यादा आपको मिल जाता है तो अब या तो आप क्या होगा या तो आप गलत रास्ते पर चले जाओगे उस एक करोड़ के लिए कोई इलीगल काम करोगे और आगे जाकर के फंसोगे कभी ना कभी नंबर वन दूसरा मान लेते हैं आपको इलीगल काम नहीं करते कोई आदमी आता है आकर के आपको बोलता है कुछ भी इलीगल नहीं है सब कुछ लीगल है आपको चाहिए ना एक करोड़ अगले एक साल में दो साल में आपको मिल जाएगा आपको बस ये कंपनी को हमारे ज्वाइन करना है इतना पैसा देना है और जो आप चाहते हो वो सब सच हो जाएगा तो अब आपकी डोर किसके हाथ में है क्या आपके हाथ में है क्योंकि वो डिजायर अब आपके ऊपर इतना हावी हो चुका है आपने प्रैक्टिस कर लिया है एक तरीके से सोचने का कई महीनों तक कि अब आपके माइंड में कोई और थॉट आता ही नहीं है आपका थॉट हो गया है अब आपको किसी भी कीमत पर वो चाहिए जिस इंसान के अंदर डिजायर बहुत ज्यादा हो गया ना कुछ पाने का उसको कंट्रोल करना इतना आसान है उसको बोलो तुझे क्या चाहिए अच्छा तुझे ये चाहिए चल बेटा मैं दिलाता हूं लेकिन तुझे ये करना पड़ेगा तो अब आपकी डोर किसी और के हाथ में है तो मैं क्या कह रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करो नंबर वन अपने आप को उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्या होगा उससे आपकी बॉडी के लेवल पर साइकोसोमेटिक चेंजेस आएंगे साइकोलॉजिकली जितना आप उल्टा सोचोगे उतना ही बॉडी के लेवल पर वो मैनिफेस्टेशन होंगे क्योंकि वो तो डायरेक्ट इफेक्ट हो गया ना माइंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर बॉडी जो सोचोगे वो बॉडी के लेवल पर होने लग जाएगा तो सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचो कि आई एम हेल्दी आई एम हेल्दी आई एम हेल्दी दिस इज मच बेटर देन कि मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं अगर झूठ भी बोलना पड़ रहा है अपने आप को तो बोल दो थोड़ी बहुत बीमारी है भी तो बोल दो कि नहीं माई इम्यूनिटी स्ट्रांग मैं डील कर जाऊंगा इससे बजाय ये बोलने के कि नहीं मैं डील नहीं कर सकता तब तो आप बिल्कुल भी डील नहीं कर पाओगे उससे तो वन इज एट द लेवल ऑफ योर बॉडी यानी कि क्या जो वर्ड्स यूज़ करते हो आप अपने माइंड में जिसको अफर्मेशन बोलते हैं थॉट्स बोलते हैं या जो भी कुछ आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते हो चाहे सुबह चाहे रात को जब बोलना ही है तो कुछ अच्छा बोलो अच्छा बोलो अच्छा सुनो अच्छा देखो अच्छा सोचो नंबर वन ये आ गया एक एस्पेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अब अच्छा क्या है और बुरा क्या है अच्छा मतलब क्या जो आपको पीसफुल कर रहा है और आपको कैपेबल बना रहा है आपको मतलब क्या आपकी स्किल को आपकी नॉलेज को आपके एक्सपीरियंस को बेटर कर रहा है वो सब अच्छा है लेकिन जो भी आपको और एंशियस कर रहा है अंदर से ये जो एक करोड़ का डिजायर है ये आपको पीसफुल करता है रात की नींद अच्छी आती है या रात की नींद उड़ जाती है इसकी वजह से उड़ जाती है देख पा रहे हो ना इस सच को तो ये अच्छा नहीं है डिजायर अच्छा क्या है कि मुझे ये करना है एक है करने का डिजायर एक है पाने का डिजायर तो मैं क्या कहता हूं करने के डिजायर अपने अंदर पैदा करो कि मुझे ये करना है मुझे ये करना है मुझे ये करना है मुझे ये करना है मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है अभी मैं इस लेवल पे हूं अब मेरे को इस लेवल पे जाना इन टर्म्स ऑफ माय नॉलेज अंडरस्टैंडिंग स्किल्स एक्सपीरियंस हर एक चीज को मुझे बढ़ाना है दूसरा डिजायर कौन सा होता है पाने का कि अभी मेरे पास में छोटी गाड़ी है मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए और अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करूंगा बड़ी गाड़ी तक पहुंचने के लिए अरे भाई आप पहुंच जाओगे बड़ी गाड़ी तक क्यों क्योंकि आप उस गाड़ी के बारे में सोचते चले जा रहे हो और यही तो सब लोग चाहते हैं एडवर्टाइजर यही तो चाहते हैं क्योंकि जब आप उस गाड़ी के बारे में सोच रहे हो अपनी पावर्स को यूज करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तो आपको उस गाड़ी की एड दिखेगी साथ ही साथ दिखेगा जीरो इंटरेस्ट ऑन ई तो आप कहोगे तो बहुत बढ़िया है मैं ले लेता हूं अब आपकी औकात तो है नहीं वो गाड़ी लेने की लेकिन जाकर के आप लेके आ गए अब आप फंस गए hmm. और इसी से रिलेटेड एक है कि विजुअलाइजेशन का कि अगर सब आसान है मतलब आसान है ऐसा कि अगर मैं आँख बंद करके मुझे मुझे जो चाहिए वो मैं विजुलाइज़ कर सकती हूँ तो ऐसा क्यों होता है कि आँख बंद करके मुझे सब नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं कि अगर मैं अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ जाना है और मैं आसानी से कोई ट्रैफिक नहीं आराम से फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल है कि मैं जा सकती हूँ लेकिन मेरे दिमाग में उसका ठीक अपोजिट आएगा तो वो सिंपल सी चीज़ विजुलाइज कर पाना किसी के लिए इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है इसलिए क्योंकि आप बीच में विजुअलाइजेशन को घुसा रहे हो क्योंकि कहीं से पढ़ लिया है इसके बारे में कहीं से सुन लिया है मैंने कभी भी विजुअलाइजेशन के बारे में बात नहीं करी है मैंने क्या बोला है कि अपने आप को कुछ अच्छा बोलो मैंने ये नहीं बोला है कि बैठ करके विजुअलाइज करो ये सोचने लग जाओ कि मैं बहुत हेल्दी हूँ ये एक्स्ट्रीम में जाने वाली बात हो गई तो क्या करना है आपको आपको अपने आप को एज इट इज़ देखना है कि अभी आपकी करेंट स्टेट क्या है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपकी आंखें ठीक हैं कान ठीक है आप मुझे सुन पा रहे हो देख पा रहे हो खुद चल करके यहाँ तक आए हो जी। तो हाथ पैर भी सही सलामत है भगवान की दया से तो सब कुछ ठीक है एट अ फंडामेंटल लेवल तो ये कोई इल्यूजन नहीं है ये फैक्ट है जी। बाकी रही छोटी मोटी बीमारियां वो आती जाती रहती हैं वो सबके साथ है तो ये आप किसी इल्यूजन के बेस पर नहीं बोल रहे हैं अननेसेसरी विजुअलाइज नहीं कर रहे कि मैं हेल्दी हूँ आप रियलिटी को देख लो कि आप एक्चुअल में हो जो चीज़ है है नहीं उसको visualize कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। right? और वो सोचना ही क्यों है वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ थिंक अबाउट समथिंग विच इज नॉट रियल थिंक ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी विजुअलाइज करना भी है तो ये करो कि अभी मैं एजुकेशन वाइज इस लेवल पर हूं आने वाले इतने साल बाद मैं इस लेवल पर होंगी इन टर्म्स ऑफ माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसकी बेस पर मैं काम करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए और जो भी कुछ करना है पढ़ाई करने के लिए सबके लिए मैं तैयार हूँ तो ये सब रियल हो गया जिसकी आप बात कर रहे हो विजुअलाइजेशन दैट इज़ अनरियल कि मैं सड़क पे जाऊंगी और मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगा मैं विजुअलाइज कर रही हूँ अरे आपके सोचने से क्या होता है यही तो मैं समझा रहा हूँ जब से कि बेसिकली आपके सोचने से ट्रैफिक कम या ज़्यादा नहीं हो जाएगा ट्रैफिक जितना है सड़क पे सो है अब आपको सोचना है तो क्या सोचना है कि मैं टाइम से निकल रही हूं यहां पे इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं है वही बात हो गई ना हर जगह हर चीज की जरूरत नहीं होती, नहीं होती है। है। जैसे समुद्र में आप गाड़ी को नहीं चला सकते ना गाड़ी कहां चलती है सड़कों पर चलती है तो आप समुद्र में गाड़ी चलाओगे और कहोगे गाड़ी डूब गई पहले समझो कि कौन सी चीज कहां चलती है पहले तो इस वर्ड को ही हटा दो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये वर्ड अपने आप में काफी एक मैं क्या कहूंगा बहुत ही मिस टर्म है जो लोगों ने यूज करी है प्रोपोगेट करी है अपने किसी बेनिफिट के लिए जिसमें आपका कोई बेनिफिट होना हो उनका तो हो गया जिन्होंने इसको प्रोपोगेट किया है उन्होंने तो करोड़ों कमा लिया है तो आप यह समझो कि आपके लिए इसका क्या बेनिफिट है आपको कैसे यूज करना है मैंने क्या कहा सिंपल बात बोली है कि अपने अंदर अच्छा बोलो बाहर अच्छा बोलो अच्छा देखो अच्छा सुनो अच्छा मतलब क्या जो भी आपको एक बेटर इंसान बनाता है इसको एक बॉडी को इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो जो भी इस इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है या जिससे बढ़ सकती है ऐसे थॉट्स वो सब अच्छे हैं जो भी आपको मांगने पे मजबूर करता है या कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट करवाता है जो कि अनरियलिस्टिक है वो सब गलत थॉट्स है जैसे वहां पे क्या सोचना है वहां पे इसकी जरूरत ही नहीं है ऑफ अट्रैक्शन की आपको क्या बोलना है अपने आपको कि मैं जा रही हूं सड़क पे अब मैं टाइम से निकल रही हूं तो वहां पे प्लानिंग की जरूरत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है कि अगर यहां पर आपको टाइम से पहुंचना है तो आप टाइम से घर से निकले तो अगर ट्रैफिक मिला भी तो आपने पहले ही गूगल मैप्स पर देख लिया उसके बाद भी कुछ मार्जिन और लेकर के आप चल रहे हो ताकि आप टाइम से पहुंच पाओ तो इस सब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रोल कहां है कहीं भी नहीं है और अगर आप अच्छा बोलोगे अच्छा सुनोगे अच्छा सोचोगे अच्छा देखोगे तो आपको किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत क्या है आप अच्छा ही करोगे ना जी आप कुछ गलत करोगे क्यों अच्छे और गलत की डेफिनेशन को पहले क्लियर कर लो अपने माइंड में अच्छे से एक डिजायर है जो आपको लालची बना देता है ऐसा इंसान ना खुद के लिए अच्छा है ना औरों के लिए अच्छा है क्योंकि ना तो वो खुद चैन से सो सकता है ना किसी को सोने दे सकता है ऐसा आदमी पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है जो बहुत ज्यादा लालची है यानी कौन जो अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान भी करने को तैयार है तो ऐसे डिजायर्स अपने अंदर प्लांट मत करो चीजों के डिजायर प्लांट मत करो अगर अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा लोगे तो जितनी भी चीजें चाहिए उससे ज्यादा आपको मिल जाएगी आपको मांगनी नहीं पड़ेगी मांगने से नहीं मिलता इस यूनिवर्स में अपने आप को कैपेबल बनाने से मिलता है रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रही थी तो उसमें ऑथर ने कैंसर्स ऑफ द माइंड के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे थे जो कि कंपेयरिंग कंप्लेनिंग क्रिटिसाइजिंग ये सब है और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे थे लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस वर्ड कैंसर पे जा रहा था तो मेरा क्वेश्चन यही है कि चीज़ों को उतनी ही इंपॉर्टेंस कैसे दे जितनी ज़रूरत है कंपेयरिंग कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग ये तीन वर्ड्स आपने बोले जी। ये कैंसर ऑफ माइंड नहीं है सबसे पहले तो इसको समझना है कैंसर ऑफ माइंड एक्चुअल में क्या है ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग की जड़ क्या है क्या कंपेयरिंग है बिना कंपेयरिंग के आप सोचोगे कैसे यू कैन नॉट ऑपरेट इन दिस यूनिवर्स विदाउट कंपेरिजन आप एक गाड़ी चला रहे हो तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि अभी मुझे यहां पे पार्क करना है जगह है या नहीं है इसको पार्क करने के लिए वो क्या कर रहे हो आप कंपेयर कर रहे हो अपने माइंड में यू आर कंपेयरिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंड कि यहां पे गाड़ी आप पार्क कर पाओगे या नहीं कर पाओगे hmm. अगर आपके माइंड में से कंपेरिजन को हटा दिया जाए तो आप इस दुनिया में ऑपरेट ही नहीं कर सकते आप जो लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ कंपेरिजन क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में कोई ना कोई आइडल है जो भी आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा है या कर रही है नहीं तो हमारे जो एनिमल इंस्टिंग है वो हमको नीचे गिरा देते हैं वो कहा ले जाएंगे आपको एक जानवर के लेवल पे जहां पे आप प्लेजर्स में जाकर के पर जाओगे इंडे hmm. तो इस कंपैरिजन की वजह से ही तो आप आगे बढ़ रहे हो तो ये बुरा नहीं है एक बार आराम से समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में बुरा क्या है कंप्लेन करना क्या बुरा है बिल्कुल भी बुरा नहीं है फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से यहां पर आए और बीच में कहीं पे रोड खराब है और आप जा करके कंप्लेंट फाइल कर रहे हो जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स है उन सब जगह पर ई कर रहे हो उनको लेटर लिख रहे हो उनको फोन कर रहे हो उनको बता रहे हो कि देखो यहां पे प्रॉब्लम है तो क्या वो बुरा है नहीं। तो कंप्लेनिंग इज नॉट बैड जब भी आपके साथ में कुछ भी अनफेयर होता है तो कंप्लेन करना पड़ेगा ना कंप्लेन नहीं करोगे तो सामने वाले को पता कैसे लगेगा आपके साथ में कुछ अनफेयर हो रहा है आप एक रिलेशनशिप में हो और सामने वाला कुछ गलत कर रहा है आपके साथ में लेकिन उसको खुद को ही नहीं पता है कि वो क्या गलत कर रहा है बट आपको पता है तो आप उसको कंप्लेन करोगे ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है इसको चेंज करो या हम इस रिलेशनशिप को खत्म करेंगे तो ये क्या हुआ कंप्लेनिंग हो गया तीसरा क्या है क्रिटिसाइजिंग क्रिटिसाइजिंग बुरा थोड़ी ना है बहुत जरूरी है क्रिटिसिज्म हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है वी आर टू ईगर टू एग्री कोई क्रिटिसाइज ही नहीं करता है जैसे आपके पेरेंट्स ने जो जो कहा आपने वो वो किया कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा जो वो कहते जा रहे हैं चुपचाप करते जाओ बट द मोमेंट यू डिस दर इज बाउंड टू बी कॉन्फ्लिक्ट तो अगर वो कुछ ऐसा कह रहे हैं आपको करने के लिए जो करने में आपका इंटरेस्ट नहीं है या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है तो उनको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा फिर वो चाहे कोई पर्सन हो चाहे कोई ग्रुप हो चाहे कोई अथॉरिटी हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई भी हो इसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं That you You must must be able to criticize. You must not agree with everybody. 99% उनकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है मतलब मुंह पे एग्री कर गए पीछे से उल्टा बोल रहे हैं मुंह पे बोलने में दम नहीं है मुंह पे बोलने में हिम्मत नहीं है सर आपने जो भी एग्जांपल्स दिए वो सही हैं ठीक है ठीके? और मैं शायद वो ऑथर जो ये चीज़ बोल रहे हैं ना वो शायद इस उस पर बोल रहे हैं कि अगर हम कंप्लेन कंपेयरिंग का लेते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ और मेरा मेरी कोई दोस्त है फॉर एग्ज़ाम्पल वो अच्छा कर रही है और वो कंपेयरिंग की वजह से नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं मे बी मैं उससे जेलस हो रही हूँ या फिर हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी जो ख़राब हो गई है तो शायद उसमें तो ये चीज़ गलत है ना कि हम उस सेंस में कंपेयर करना गलत है ना गलत क्या है कंपेयर करना गलत है या ये कहना गलत है कि कंपैरिजन गलत है कंपैरिजन गलत नहीं है ये कहना गलत है कि मेरे माइंड में कंपैरिजन क्यों आ रहा है आपकी कोई फ्रेंड है या आपकी कोई बहन है या भाई है तो आप नहीं भी कंपेयर करोगे तो या तो घर वाले करेंगे प्लस आप जब अपनी फ्रेंड को देखोगे कुछ ऐसा करते हुए आप दोनों ने साथ साथ में शुरू किया था एक ही कॉलेज से अब वो आगे निकल गई आप पीछे रह गए तो क्या कंपैरिजन नहीं आएगा वहां पे आएगा तो कंपैरिजन गलत नहीं है क्योंकि कंपैरिजन इज रियलिटी द मोमेंट यू से रियलिटी इज रॉन्ग तब आप फंस गए फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो बारिश हो रही है बारिश नहीं होनी चाहिए बारिश गलत है क्या बारिश गलत है या ये थॉट गलत है कि ये बारिश क्यों हो रही है बारिश नहीं होनी चाहिए ये थॉट ही गलत है तो कंपैरिजन गलत नहीं है क्रिटिसिज्म गलत नहीं है कंप्लेन करना गलत नहीं है कहीं पर भी जाकर के कंप्लेंट फाइल करना या किसी को कंप्लेन करना ये सब गलत नहीं है ये सोचना कि ये गलत है ये गलत है okay, okay, okay. <laughs> सबसे पहले तो इस थॉट प्रोसेस को ठीक करो जी। <laughs> आपने देख लिया दोनों में डिफरेंस क्लियर <laughs> हुआ अब हमने क्या किया जो जैसा है उसको वैसे ही देख लिया उसको डिनाई नहीं किया अब क्या हो रहा है आपके माइंड में कोई ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जहां कि कंपैरिजन आ रहा है तो अब आप अपने आप को ये नहीं बोल रहे हो कि हाय मैं कितनी बुरी हूं देखो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है या मेरी सगी बहन है मैं उसके बारे में इतना कैसे उल्टा सोच रही हूँ क्योंकि जब वो कंपैरिजन का थॉट आएगा तो हो सकता है आपके अंदर गुस्सा भी आएगा या तो अपने ऊपर या उसके ऊपर तो अब ये सब नेचुरल है ये पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है बिकॉज नो इज परफेक्ट ये जो परफेक्शन की इमेज है ना इसको अपने माइंड से निकाल दो कि जैसे हमने जो भी पुरानी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हमने सुनी है या देखी है उसमें क्या होता है एक कैरेक्टर होता है जो बहुत ही अच्छा होता है और एक कैरेक्टर होता है जो बिल्कुल ही बुरा होता है एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है बुरे से बुरा इंसान भी आपके अंदर है और अच्छे से अच्छा इंसान भी आपके अंदर ही है बाहर नहीं है अच्छाई भी है आपके अंदर और बुराई भी है तो पहले दोनों को देख लिया और ये जो ठप्पा लगाना था ना अच्छाई बुराई का इसको भी हटा दिया अच्छा बुरा क्या होता है थॉट होता है थॉट तो कुछ भी आ सकता है फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकली आपके अंदर कुछ ऐसे थाट्स आएंगे किसी भी पर्सन से रिलेटेड जो सिर्फ आपके माइंड में नहीं सबके माइंड में आएंगे बट वहां पर दो तरह के लोग होंगे एक वो जो कहेंगे कि ये नहीं आने चाहिए क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है पर माई कल्चर और माई बैकग्राउंड और दिस एंड दैट और दूसरे कहेंगे थॉट ही तो है आया गया कोई बात नहीं क्या हो गया तो किसको प्रॉब्लम हुई उस थॉट की वजह से और किसको नहीं हुई जिसने बोला <laughs> <laughs> तो समझ गए प्रॉब्लम द मोमेंट यू से कि ये कैंसर है आपने कितना बड़ा वर्ड यूज कर दिया उस ऑथर ने आपने कि भाई ये कैंसर है तो गड़बड़ हो गई वहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई अब क्या हो रहा है द मूमेंट यू गेट दैट काइंड ऑफ थॉट तो आपके माइंड में क्या आएगा एक भयानक सी इमेज आएगी कि अभी मेरे को कोई थॉट आया अब कुछ टाइम बाद ये ट्यूमर के जैसा हो जाएगा फिर कैंसर के जैसा हो जाएगा और ये अंदर ही अंदर मेरे को खोखला कर देगा मैं मरने वाली हूं मेरे को ये थॉट नहीं आने चाहिए और वो थॉट आएंगे और जितना आप अपने आप को ये बोलोगे ना ये थॉट नहीं आने चाहिए इस वजह से उतने ही ज्यादा वो थॉट्स आएंगे hmm. बट जो मैं बोल रहा हूं अगर वो आपने समझ लिया उस बात की डेप्थ को और अपने आप को बोला क्या हो गया कंपैरिजन आया है ना माइंड में आ गया आ गया जल्दी हो गई हो गई गुस्सा आ गया आ गया पार्ट ऑफ लाइफ है मैं कौन सा परफेक्ट हूं और कौन है जो परफेक्ट है कौन है ऐसा दुनिया में इंसान पास्ट में जो हुआ है या अभी है या जो फ्यूचर में होने वाला है जिसके अंदर कभी गुस्सा नहीं आया है hmm. हो सकता है बाहर से उसने अपने गुस्से को नहीं दिखाया है क्योंकि उसके रेपोकेशन होते हैं आपके अंदर अगर गुस्सा भी है तो आप अपने कमजोर के आगे तो दिखा सकते हो अपने से स्ट्रांग के आगे कैसे दिखाओगे hmm. चाहे वो फिजिकली कमजोर हो चाहे मेंटली कमज़ोर हो या फाइनेंशियली कमज़ोर हो उसको तो आप दबा सकते हो जो आपसे पावरफुल है उसको कैसे दबाओगे तो गुस्सा अंदर तो है लेकिन बाहर नहीं है तो ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में ना कभी होगा जिसके अंदर कभी कोई कंपैरिजन नहीं आया है जिसने कभी कंप्लेन नहीं किया है या जिसने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया है किसी को भी या जिसके अंदर कभी कोई गुस्सा नहीं आया है या जिसको भी आप नेगेटिव थॉट्स बोलते हो नेगेटिव फीलिंग्स बोलते हो नेगेटिव इमोशंस बोलते हो इन इन्वर्टेड कॉमर्स वो उसके माइंड में नहीं आए हैं ऐसा इंसान ना तो कभी पास में हुआ है ना अभी है ना कभी होगा अगर कोई कह रहा है कि मेरे माइंड में तो सब कुछ पॉजिटिव आता है तो वो झूठा है वो झूठ बोल रहा है आने वाले टाइम में उसका झूठ पकड़ना बड़ा आसान हो जाएगा क्यों क्योंकि अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो आपके ब्रेन में कुछ स्कैन करके बता सकते हैं कि एग्जैक्टली exactly क्या चल रहा है तो वो जो झूठा इंसान होगा ना उसको वहां पर लेकर के स्कैनर के अंदर बिठा दिया जाएगा और एक मिनट में से अब निकल के आ जाएगा कि अरे इसकी ब्रेन तो उससे भी ज्यादा एक्टिव है जो एक ह्यूमन है <laughs> क्योंकि ये तो सुपर ह्यूमन है तो इसकी ब्रेन तो बिल्कुल काम होनी चाहिए ब्रेन में कुछ होना ही नहीं चाहिए <laughs> लेकिन जैसे उस स्कैनर में गए पता लगा अरे यहां तो कुछ और ही चल रहा है इसके अंदर तो उससे भी ज्यादा केयर्स है उससे भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है उससे भी ज्यादा एक्टिविटी है इस सुपर ह्यूमन में तो उस ह्यूमन से भी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है ये कैसा सुपर ह्यूमन है समझ गए तो इस मिथ से बाहर आ जाओ ना कोई सुपर ह्यूमन होता है ना कोई सुपर विलन होता है ह्यूमन होते हैं तो सर जो आप बोलते हो ना कि थॉट्स आए और उसको जाने दो तो ये कहता इजीली easily... वो हो जाएगा कि हाँ ठीक है यार आ तो राय जाने दो और दूसरे काम में लग जाओ तो वो हो जाता है ऐसे ऐसे से. नहीं होता है क्योंकि ऐसे आप जितना करोगे आप उससे भाग रहे हो जितना भागोगे वो थॉट्स और ज्यादा आएंगे वो ओवर थिंकिंग और ज़्यादा हावी हो जाएगी तो आपको क्या करना है आपने इस रियलिटी को देख लेना है कि थाट्स आते हैं और चले जाते हैं फीलिंग्स आती हैं चली जाती है इमोशंस आते हैं चले जाते हैं क्या ये रियालिटी है या इसके लिए आपको अपने अंदर एक डिज़ायर पैदा करना है और ऐसा इंसान बनना है कि आपके अंदर थाट्स आएं और चले जाएं अभी इस क्वेश्चन में इंप्लाइड क्या है आप चाहते हो कि आपका माइंड ऐसा हो जाए कि जिसमें कोई भी थॉट आए और वो चला जाए आपको तंग ना करे दिस इज वॉट यू वॉन्ट राइट तो यू डोंट हैव टू वॉन्ट इट बिकॉज दिस वॉन्ट इज प्रॉब्लम जैसे अगर आप सोने से पहले अपने आपको बोलोगे ना मुझे नींद आ जाए मुझे नींद आ जाए मुझे नींद आ जाए उसी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है तो आपका माइंड पीसफुल क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि आप बार बार अपने आप को बोल रहे हो कि काश मेरा माइंड ऐसा हो जाए जिसमें कोई भी थॉट आए और चला जाए मैं बिल्कुल एक मिरर के जैसी हो जाऊँ जिस पर कोई भी रिफ्लेक्शन आई और गई <laughs> थॉट्स आए, <और laughs> आए और गए फीलिंग्स आई और गई इमोशंस आए और गए और मुझ पर कोई असर ना हो अरे ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको <laughs> जी। ये रियलिटी बता रहा हूं कि एक्चुअल में आपकी ब्रेन और मेरी ब्रेन या किसी की भी ब्रेन में कोई फर्क नहीं है क्या होता है इस ब्रेन में थॉट्स आते हैं चले जाते हैं फीलिंग्स आती हैं चली जाती हैं मतलब मैं आपको कोई लोरी नहीं सुना रहा हूं कि देखो ऐसा होना चाहिए ऐसा ही होता है सबके साथ होता है अब सवाल उठता है कि वो लोग जो ओवर थिंकिंग के जोन में चले जाते हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है तो ये आपको समझना है कि नींद क्यों नहीं आती है ये नहीं कि नींद कैसे आए क्योंकि नींद में जाने का कोई तरीका नहीं है नींद में ना जाने के बहुत सारे तरीके हैं नींद में ना जाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ये बोलने लग जाओ अपने आपको मुझे नींद आ जाए मुझे नींद आ जाए मुझे नींद क्यों नहीं आ रही मुझे गुस्सा आ रहा है काश मुझे नींद आ जाए और कोई भी ऐसी हरकतें कर रहे हो जिससे कि आपको नींद आ जाए जैसे ये हरकतें बंद कर दोगे नींद आ जाएगी जी। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ओवर थिंकिंग को रोकना है तो इस रियलिटी को देख लो कि आएंगे जाएंगे ये कोई कहानी नहीं है रियलिटी है पूरी लाइफ ऐसे ही रहेगा और एक और रियलिटी क्या है ऐसी स्टेट कभी भी नहीं आएगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो, आपने ऐसा <laughs> कभी नहीं होने वाला कुछ ऐसे थॉट्स होंगे जो कुछ सेकंड्स रुकेंगे कुछ कुछ मिनट तक रुकेंगे कुछ कुछ घंटे तक रुकेंगे कुछ कुछ दिनों तक रुकेंगे कुछ कुछ हफ्तों तक रुकेंगे कुछ कुछ महीनों तक रुकेंगे फॉर एग्जाम्पल कोई आपका नियर एंड डियर है उसकी डेथ हो गई है जिससे आपको बहुत प्यार था तो कई महीने लगेंगे वहां से बाहर निकलने में तो दैट इज ओके एग्जैक्टली दैट इज एकदम से आप कैसे भूल सकते हो अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो थाट्स आ रहे हैं प्रॉब्लम ये है कि आप कह रहे हो ये थॉट्स नहीं आने चाहिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनकी याद आ रही है अरे उनसे प्यार था इसलिए याद आ रही है प्रॉब्लम ये आप कह रहे हो याद नहीं आनी चाहिए ये तो उनकी इंसल्ट हो गई ना सोचो अगर वो यहीं कहीं आसपास हो तो वो देख करके कहेंगे कहेंगे ये क्या बदतमीजी है मुझे तो तुम कहती थी कि मेरे से बहुत प्यार है और तुम चार दिन में मुझे भूल गई तो कुछ महीने तो लगने चाहिए ना उनको भुलाने में तब तक तो रोना भी है hmm. बुरा भी फील होगा तो होगा उनको मिस करोगे करोगे सब कुछ होगा समझ गए यू गॉट द आंसर हाँ इसको बोलते हैं बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाना अंदर से Yes so मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर